हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाई आर दे इग्नोरिंग यू। आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, अलग चीज दिखते हैं। व्हाई आर दे इग्नोरिंग यू? अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं इस पर्सन से, आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों गोस्ट कर रहा है? लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो सेम तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेम तरीके से देखें। व्हाई आर दे इग्नोरिंग यू? ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? व्हाई आर दे इग्नोरिंग यू? मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। व्हाई आर दे इग्नोरिंग यू? ये पर्सन मेरे व्यूअर को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? Why are they ignoring you? Okay. King of Cups, Queen of Pentacles. आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है? आपकी सोच डिफरेंट है, इस पर्सन की सोच डिफरेंट है, और ये पर्सन आपको इग्नोर तो क्या, ये पर्सन आपके लिए जो है ना, मतलब कि ओपन अप नहीं है अपने जज्बात, अपने एहसास क्लियर कट, या एक इस पर्सन के दिल में अगर कुछ एक ऐसी फीलिंग्स है ना आपके लिए, जो सॉफ्ट कॉर्नर है, ये अपने आप को होल्ड बैक रखता है, ठीक है? ये आपसे उन सब चीज़ों पे बात नहीं करता। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, ये किसी थर्ड पर्सन को डील कर रहा है। आप जैसे आपका माइंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आप एक मुझे जेन्युइन पर्सन लग रहे हैं, जैसे एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, जो मैरिज करना चाह रहा है ये पर्सन, लेकिन अपने उस बिहेवियर से, उस स्टबर्न नेचर से बाहर नहीं आ रहा। आप एक बैलेंस, स्टेबल, एक लॉन्ग टर्म पर्सन, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है? आपका थॉट प्रोसेस इस किस्म का है, ठीक है? आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है? इस टाइप के पर्सन जैसे मैरिज मटेरियल है। आप चाहते हैं इस पर्सन से मैरिज, लेकिन ये अपने उस स्टबर्न नेचर से बाहर नहीं आ रहा, उस जिद से बाहर नहीं आ रहा। आपने इस पर्सन को बता दिया आपको इस पर्सन का स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन ये पर्सन स्टबर्न हुआ हुआ है, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं लगता भी है इस पर्सन के अंदर आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक जिद है ना, एक मैं की जिद है, एक जो जिद बहस है, जिस जिद में ये पर्सन फंसा हुआ है, ये उस जिद की वजह से आपको कुछ देता नहीं। ये सब जबकि आप एक मैरिज मटेरियल, ये पर्सन जानता है एक फैमिली, आपने इस पर्सन को बताया आप इसके साथ एक मैरिज करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको अब यहाँ पर फियर है जब ये पर्सन आपको सब कुछ नहीं दे रहा, ठीक है? मतलब कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको ना रीजन देता है, ना एक्सप्लेन करता है, ना चीज़ों को खुलकर आपसे बोलता है। आपको लगता है यहाँ पर ये थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी बातें हैं जो आपको पता ही नहीं, जो इसकी लाइफ में है, कुछ अननोन फियर है। आपको लगता है यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपसे हाइड किया जाता है, ठीक है? जो आपको पता ही नहीं है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ का फियर है, ठीक है? आपको लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो ये पर्सन आपसे छुपाता है, कुछ ना कुछ हिडन है यहाँ पर। आपकी विश है ये पर्सन, लेकिन आप इस बात को सोचते हैं कि यहाँ पर हिडन है। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? डिवाइन से मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए कनेक्टेड फील करते हैं। न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबल, मतलब कि स्टेबल कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप नहीं, कुछ स्टेबल न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैरिज हो गई, कमिटमेंट हो गई, स्टेबिलिटी हो गई। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से ये पर्सन आपके साथ बिहेवियर रख रहा है, या जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, आपको इल्यूजन है यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है। ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड हाइट, ठीक है? आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ अपनी हैप्पीनेस को फील करते हैं। आप यहाँ पर चाहते हैं आप दोनों के बीच एक बैलेंस हो, ठीक है? एक बैलेंस रिलेशनशिप हो, आप दोनों का रिश्ता एक बैलेंस रिलेशनशिप बने। आपकी विश है ये पर्सन, आप इस पर्सन के साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहते हैं।
टू ऑफ कप्स, आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक टू ऑफ कप्स मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन ये ओपन अप नहीं होता, जो भी फील करता है ये आपसे डिस्कस नहीं करता, खासतौर पर एक अच्छी फीलिंग्स नहीं होती, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स है ये इमोशनल है आपके लिए, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुलकर आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करना, आप यहाँ पर एक मेच्योर एक्ट करते हैं, मेच्योर पर्सन, स्टेबल पर्सन, ठीक है, एक स्टेबल स्टेबिलिटी रखते हैं आप, आपको लगता है आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ठीक है, मतलब कि आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी, क्या आपको वहाँ से मिलेगी, क्या आप वहाँ जहाँ से एक शेल्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ये पर्सन वो आपको शेल्टर देगा, जो आप एक पीस और सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, क्या वो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में आप रहकर भी अकेले हैं, ठीक है, आपको इस तरीके की वाइब है कि आप कनेक्शन में तो हैं लेकिन अकेले हैं, जो आपको वो फीलिंग्स, वो वहाँ से इमोशंस नहीं मिल रहे जो आपको सेटिस्फाई कर सकें, जो आपको एक मतलब कि आपको वो फील नहीं हो रहा कि हाँ आपको लगे हाँ ये मेरा पर्सन है, ये मेरे दुख दर्द में मेरे साथ है, आप इस पर्सन, आपको लगता है जितना आप यहाँ पर इमोशनली कनेक्टेड हैं, जितना आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, उतना ये पर्सन नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है, मतलब कि फिर आपको लगता है आप जो स्टेबिलिटी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर्सन बेहद मतलब कि स्टबर्न है, डीप नेचर है, बहुत ज़्यादा इगोस्टिक भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा एक अपनी जिद से जो भी करना है अपनी जिद से करना है, अपनी जिद मनवानी है, जो करना है वो करना है, फिर वो आप बदल नहीं सकते, जबकि आपके लिए इमोशंस रखता है, ऐसा नहीं है, आपके लिए इमोशंस रखता है, ठीक है, आप ये बात जानते हैं, दिखाता शायद कम कम है लेकिन इमोशंस आपके लिए इसके अंदर हैं, आप इसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू साइकिल जिसमें प्रोटेक्टिव साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें कोई किसी आपको किसी तीसरे का डर ना हो, ठीक है, कोई तीसरा पर्सन ना हो सिचुएशन में, आपके यहाँ पर अक्सर लगता रहता है, अक्सर आपके माइंड में ये इल्यूजन्स रहते हैं कि यहाँ पर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ये आपसे कुछ हाइड कर रहा है, ये आपसे कुछ छुपा रहा है, और आपको लगता है कि आप इसको विश कर रहे हैं, आप डिवाइन से उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक लव चाहते हैं, आप इतना यहाँ पर इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्यों परेशान हैं, आप प्यार करते हुए परेशान हैं, आपको लगता है वो सेटिस्फेक्शन, वो पीस आपको क्यों महसूस नहीं होता इस रिश्ते में जो आपको महसूस होना चाहिए, आपके डिज़ायर जो है एक बैलेंस रिलेशनशिप, हीलिंग डिज़ायर है आपकी, ठीक है, आप एक दूसरे को हील करें, आप एक दूसरे को होने का एहसास दें, आप एक दूसरे को दुख दर्द में सपोर्ट करें, आपका ये माइंड है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कुछ जिद की वजह से, एक जिद्दी नेचर की वजह से ये पर्सन इस तरीके का है, जबकि ये जानता है यहाँ पर स्टेबिलिटी है, जबकि ये जानता है यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट हो सकती है आपके साथ, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप दोनों नेगेटिविटी से निकले, आप बार बार अपने माइंड को नेगेटिविटी से निकालते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ मूव करते हैं, बार बार अपने आपको हील करने की कोशिश करते हैं, बार बार आप इस रिलेशनशिप का एक पॉजिटिव रुख देखने की कोशिश करते हैं, बार बार आप पुरानी बातों को छोड़ते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए, क्योंकि आप लव करते हैं इस पर्सन से, क्योंकि आप यहाँ पर आपकी विश है, आप मैनिफेस्ट करते हैं उसको अपनी लाइफ में, ठीक है, आप इक्वल गिव एंड टेक, एक सिमिलर लव चाहते हैं इस पर्सन से, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड फीमेल ज़रूर है, ठीक है, फीमेल है, मेल है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई है, ठीक है, दी एम्प्रेस, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो थर्ड फैक्टर है, आप लोग की जो भी लड़ाई होती है, बार बार आप लोग की सुलह होती है, बार बार आप लोग की लड़ाई होती है, बार बार आर्ग्यूमेंट होती है, बार बार आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब कि और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन होती है, बार बार आप उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, बार बार आप इस पर्सन से बात करते हैं, इस पर्सन को माफ़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बन जाती है, आप बार बार उस सिचुएशन से हील होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फॉर ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं, आपको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, आप इस पर्सन से शादी कर सकते हैं, एक मैरिज कमिटमेंट आपकी नियत है, यहाँ पर शादी करना, एक स्टेबल ग्राउंडेड रिलेशनशिप, ठीक है, एक स्टेबल रिश्ता जो ग्राउंडेड रिश्ता जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है, एक स्टेबल रिश्ता हो जो ग्राउंडेड रिश्ता हो जो लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ पे आप यहाँ पे जो आप लॉन्ग टर्म देख सकें, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप देख सकें, आप इसलिए यहाँ पर इस रिलेशनशिप में काम करते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं आप दोनों मिलकर कोलैबोरेट करें इस बैलेंस बनाने के लिए, बार बार आप जो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आती है ना, आप उससे निकलते हैं, एक हील होते हैं, फिर आप दोनों आप पॉजिटिव
चीजों की तरफ जाते हैं इस रिश्ते की नेगेटिव चीजें छोड़ के, लेकिन आप चाहते हैं आप दोनों मिलकर काम करें इस रिश्ते पे, इस स्टेबल स्टेज तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ आप नहीं चाहिए इस रिश्ते में, ये पर्सन भी चाहिए। इस पर्सन के अंदर किसी तरीके की इमेच्योरिटी है, किसी तरीके की स्टबर्न बिहेवियर, इस पर्सन का जिद है, जो इस पर्सन को लगता है उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उस जिद आपको लगता है यहाँ पर स्टेबल एक घर बनाने के लिए, मैरिज करने के लिए आपको इक्वली कोलैबोरेट करना पड़ेगा, इक्वली इस रिश्ते में काम करना पड़ेगा। कब तक आप इन सब चीज़ों से निकलकर यहाँ पर नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे, फिर आप अकेले काम करेंगे, क्योंकि आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि आपको एक स्टेबल मैरिज चाहिए इस पर्सन के साथ। आप चाहते हैं आप दोनों मिलकर काम करें इस रिश्ते में, तभी सक्सेस आ सकती है। आप इस रिश्ते में अल्टीमेटली सक्सेस चाहते हैं, सक्सेसफुल फ्यूचर आप देखना चाहते हैं इस रिश्ते का, ठीक है। क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल एक कनेक्शन देखना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है ये आपके साथ साथ किसी और को भी मतलब के बैलेंस करता है। आप इसका वेट करते रहते हैं और इसका ध्यान किसी और चीज़ पे होता है, किसी और इंसान पे होता है, या किसी और को ये दे रहा होता है, ठीक है। इसको आपकी इतनी, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, इसको ये बात पता होती है, आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि इसको बात पता होती है, लेकिन फिर भी ये किसी और में बिजी रहता है, ठीक है। आप बार बार न्यू बिगनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, ठीक है। आप इसके ऊपर नज़र रखते हैं, स्टॉकिंग एंड सर्चिंग करते हैं, लेकिन आप बार बार सोचते हैं कि कैसे एक न्यू स्टार्ट होगा, कैसे यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होंगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, और ये पर्सन थोड़ा सा एक फ्लर्टिश पर्सन है, ठीक है। थोड़ा सा फन फ्लर्ट करता रहता है, या तो फन फ्लर्ट इस पर्सन की आदत में शुमार है, ठीक है। अब आप पहले बेहद मतलब कि आप एक इमोशन आप इतने इमोशन से आपके इस पर्सन को लेकर, आप जानते हैं ये भी इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन ये अपनी इमेच्योरिटी से बाहर नहीं आता। इसको ऐसा लगता है ये सब चलता रहता है, लाइफ का ये हिस्सा है, ठीक है, ये लाइफ का एक पार्ट है, ये आपके पार्टनर को ये सब लगता है, लेकिन आप दिमागी उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। आप कभी कभी कोल्ड हो जाते हैं इस पर्सन की तरफ से, आप अपने अपने इमोशंस को होल्ड करने लग जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं अपने इमोशंस को, आप इसको बताना बंद कर देते हैं, खुद को होल्ड बैक कर लेते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप कब तक एक मतलब कि एक सिंगल साइड से आपको ऐसा लगता है कि आप कब तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर सामने वाला इस रिश्ते को बचाना ही नहीं चाहता, तो आप किस हद तक, किस वक्त तक इस रिश्ते को आप सेव करेंगे, इस रिलेशनशिप को। आप बहुत सोचते हैं, रात को सोते हुए सोचते हैं, जब भी आपको सोचने का टाइम मिलता है आप सोचते हैं कि क्या होगा, ठीक है। टेंस इंटेंस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है आपको, इल्यूजन्स आपको मतलब कि अननोन फियर्स से आप जूझते रहते हैं, जैसे अननोन फियर्स चीज़ें रहती हैं, आपको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहा होगा, आप किसके साथ होगा, आप क्या कर रहा होगा, आप क्या नहीं कर रहा होगा, आप इस चीज़ में रहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है मैरिज तक पहुंचाना है तो दोनों को एक साथ मिलकर एक इक्वल बैलेंस मतलब कि इक्वली वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? टू ऑफ कप्स, इधर लव है, ठीक है, इधर लव है, इस कनेक्शन में लव है, ऐसा नहीं है लव नहीं है, ठीक है। इमोशंस हैं इस रिलेशनशिप में, लव है, आप भी इस पर्सन को पसंद करते हैं, इस पर्सन की तरफ से भी लव है, लेकिन स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी तरफ से यहाँ पे एक स्टॉकिंग एनर्जी है, स्लो है, आपके पार्टनर जो हैं स्लो है, बहुत स्लोली, या तो मतलब कि ये पर्सन स्लो इन इस सेंस में है कि आपको एक बैलेंस स्टेबल रिलेशनशिप देने में स्लो है, बहुत स्लोली इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन जगल बहुत करता है, कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, जगलिंग एनर्जी, ये एक साथ दो चीज़ों को चला रहा होता है इसकी लाइफ। ये लव आपसे करता है, लेकिन ये जगल भी करता है, ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस भी क्रिएट रखता है, इसलिए स्लो रहता है, इसलिए स्लो अप्रोच रहती है, इसलिए सोचता बहुत ज्यादा है कि करना क्या है, बर्डन फील करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपको कंप्लीटली छोड़ भी नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे इसको पता है यहाँ पर कुछ स्टेबल, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, कुछ आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टेबिलिटी ये स्टार्ट कर सकता है आपके साथ, ठीक है। आप कोल्ड भी हो जाते हैं, आप इस पर्सन को थोड़ा सा, आप कोल्ड डिटैच होकर भी आप थोड़ा सा एक हार्श वर्ड या तो हार्श बिहेवियर, इस पर्सन को अपनी नाराजगी आप दिखाना जानते हैं, ठीक है। वेट भी करते हैं आप इस पर्सन का, लेकिन ये स्लो, इतना स्लो कि आप वेट करते रहते हैं कि अब आएगा, अब अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा, अब अपनी गलती को मानेगा। आप हार्श इसलिए होते हैं, आप इसलिए थोड़े से गुस्से में आते हैं, आप इसलिए थोड़ा अपना इस पर्सन को एक बिहेवियर शो करते हैं, ताकि इस पर्सन को रियलाइज हो, ताकि ये पर्सन सोचे कि चीज़ों को क्या करना है।
ये मेंटली ब्लॉकेज इसमें आपके पार्टनर, ठीक है, आपको क्या, आपको आपसे लव है, आपको लूज नहीं कर सकता, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ये बात पता है, ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन एक एट ऑफ वेंट, एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, मेंटली ब्लॉकेजेस नजर आ रही है, मेंटली ब्लॉक है ये, मेंटली मतलब के इस ये जो इल्यूजन किस चीज़ के लिए, जगलिंग करने के लिए, जगल करता रहेगा लेकिन इस इल्यूजन से बाहर नहीं निकलेगा, मेंटली फेयर है कि अगर मैंने किसी एक को चूज करा या अगर मैंने यहाँ पर किसी एक जगह मैंने यहाँ पर बैलेंस स्टेबिलिटी देगी तो क्या होगा मेरी लाइफ में, अरे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हर जगह सिंगल शो करता है, इंडिपेंडेंट, मैं तो सिंगल इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा अपने कैरियर पे काम करना, ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट शो करता है हर जगह, लेकिन ये अपनी लाइफ में स्टक है, बुरे तरीके से स्टक है, इस मेंटली ब्लॉकेजेस की वजह से, जगल करने की वजह से, चाहे कितना ही सिंगल दिखा ले, लेकिन ये अपने आप को अंदर से एक स्ट्रेस में, एक सिंगल जो इसका ये बहुत स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस लेता है इन सब चीज़ों को, जो ये कर देता है इन सब चीज़ों का स्ट्रेस लेता है, विजडम, इसको कोई गाइड करने वाला है, ठीक है, यहाँ पे इसको गाइडेंस, ऐसी बात नहीं है, इसके में कोई गाइडेंस नहीं है, जब ये स्ट्रेस में आता है, जब ये एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाए, तो इसको गाइडेंस देने वाले लोग हैं इसके इर्द गिर्द, कि किसी एक को चूज करो, इस प्लेइंग एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है, इस डिप्लोमेसी से बाहर निकलो, एक पॉजिटिव एक्ट करो, एक मेच्योर एक्ट करो अपनी लाइफ में, इस स्ट्रेस में रहने से कुछ नहीं होगा, इस पर्सन का कोई पास्ट, ठीक है, सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, इस पर्सन का कोई ना कोई पास्ट है, पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई पास्ट पर्सन है, बिल्कुल स्ट्रॉन्गली यहाँ पर कोई पास्ट, जहाँ पर इसने एक स्टेबिलिटी सोची थी, फैमिली सोची थी या मैरिज सोची थी, किंग ऑफ पैंटिकल बहुत स्टेबल कुछ बनाने को सोचा था वहाँ पर, लेकिन मतलब कि गोस्ट, उधर भी गोस्ट करता है, ऐसी बात नहीं है, उधर भी गोस्टिंग एनर्जी है, एक प्लाइंग एक प्लेइंग एनर्जी है, बहुत प्ले करता है, मतलब कहीं पर भी जो है ना एक सेंसिबल एनर्जी नहीं है, पैशनेट, पैशन, अट्रैक्शन, सेक्सुअल एनर्जीज, मतलब कि पैशनेट इसको एक बहुत है, चीज़ों को लेकर एक्साइटमेंट, हर चीज़ को एक पैशन वे में लेना, देखे एक थ्रिल में लेना, एक अपनी लाइफ में एक स्पार्क में, ठीक है, स्पार्क एनर्जी, पास्ट भी बात करता है, पास्ट में भी बात करता है, ऐसा नहीं है पास्ट कनेक्शन में भी बात करता है, ये एक जो है ना बहुत इमेच्योर काइंड पर्सन है, ठीक है, बहुत इमेच्योर काइंड एनर्जी है इसके अंदर, ये पैशन अपनी, इसके अंदर जो पैशनेटिव एनर्जी है ना, उसकी वजह से ये इधर उधर मूव ऑन करता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, आप लोग को जो इग्नोरिंग एक गोस्ट एनर्जी मिलती है ना, इसका ध्यान जो है ना बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस्ड रहता है, पैशन बेस्ड रहता है, बहुत एक जहाँ पर पैशन फील करेगा, जहाँ भी अट्रैक्शन फील करेगा, उस चीज़ को बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी, पैशनेटिव टॉक्स होती हैं, मिलना, मतलब कि इस तरीके के माइंड गेम्स, गेम्स भी खेलता है, ऐसा नहीं है, इसके पीछे गेम्स भी होते हैं, मेंटली ये जो है ना मेंटली चाह रहा होता है सामने वाले को एक घुमाना, दिमागी तौर पर घुमा देना, ठीक है, उसके बाद इमोशनल, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, चीज़ें ये रिग्रेट भी फील करता है, लेकिन ये अपनी गलती भी करता है, माफ़ी भी मांगता है, लेकिन अपने ये जो अपना पैटर्न है ना वो नहीं बदल रहा, जब तक ये किसी चीज़ को चूज नहीं करेगा, अपनी लाइफ को अपने हाथों से बैलेंस नहीं करेगा, इसकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है, ये कहीं भी कुछ स्टेबल और बैलेंस नहीं दे पाएगा, इसके अपनी इसको जो है ना अपनी इम्बैलेंस एनर्जी को एंड करना पड़ेगा, यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जब ये इम्बैलेंस एनर्जी से अपनी बाहर आएगा तब ये कहीं एक बैलेंस प्रोवाइड कर सकेगा, ठीक है, स्पिरिचुअली इसको गाइडेड की ज़रूरत है, कोई गाइड करता है इसको, लेकिन इस गाइडेंस को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन आपको जो इग्नोर करते हैं अपनी एक इमेच्योरिटी की वजह से, ठीक है, अपनी एक आपके पर्सन को या तो बहुत एक क्या इस पर्सन इस चीज़ का रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन डेटिंग को बहुत ऑनलाइन लेना, ऑनलाइन डेटिंग करना, अलग अलग तरीके के लोगों को डेट करना, इस पर लव ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इस पर्सन को जहाँ भी पैशन अट्रैक्ट करता है, जैसे जहाँ भी खूबसूरती दिखती है, जहाँ भी इस पर्सन की इसकी एक इसको कहीं फील होती है, इसको लगता है कि कम्युनिकेट करने में, बात करने में, मिलने में, डेट करने में क्या बुराई है, ठीक है, इसकी नज़र में सब चीज़ें बुरी नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन डेटिंग, कम्युनिकेट करना, मतलब एक इन्जॉय लाइफ में, कोई थ्रिल बने रहना, इन्जॉय फील करते रहना, ये वो वाला पर्सन है। इस रीडिंग वहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, थैंक यू।